हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा एससीसी वर्सेस एसकेके के बीच जो फ्रेंड्स फाइनल का मैच खेला जाएगा ईसीएच टीटन फिनलैंड का फाइनल मैच, इसका मैं आपको ड्रिल मैन टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाएँ। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो मैं देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिससे कि काफी चमन विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो आपको इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज आता है तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं करता तो आप जो है सिंपली फ्रेंड टेलीग्राम पे जी या टेलीग्राम पे जो है सर्च के आइकॉन पे आप सर्च कीजिए एक्स वाई जेड। जैसे आप फ्रेंड्स एक्स वाई जेड सर्च करेंगे तो आपको जो हमारा टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है फैंटेसी गुरुजी का, ये आपको चैनल मिल जाएगा और जिसमें कि अभी 400 प्लस सब्सक्राइबर है, आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ कुछ भी आता है तो आपको डायरेक्टली इसी मतलब जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो अब चलते अपने ड्रिलमैन टीम की तरफ। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन की, तो देखिए यहाँ से मैं जे ओब्रेन को अपनी टीम में ट्राई करो। जे ओब्रेन की बात करें तो ये अपनी टीम के लिए ओपन कर तो नजर आएंगे। एसके की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर फ्रेंड्स और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दिए, तो इस बात का आपको ध्यान देना। अभी तक ये टोटल अपनी टीम के लिए तीन मैचेस कर लो, तीनों के तीनों मैचेस में जो है तकरीबन 30, किसी मैच में 35 तो किसी मैच में 50, यानी फ्रेंड्स हर मैच में ये अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दिए, तो इनको आपको जो है अपनी टीम में लेना बनता है। लेकिन अगर आप ऐसे फ्रेंड ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो आप इसे जे कमाल को ट्राई कर लीजिए, ये भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना है तो ऑलमोस्ट नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करते हैं और अगर यहाँ से फ्रेंड जैसे ओब्रेन फ्लॉप हो जाता है और यहाँ से जे कमल अच्छा परफॉर्मेंस कर देते तो आप काफ़ी अच्छा जो है ग्रैंड लीग में विन करने का चांस हो जाएगा आपका। तो अगर आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे तो आप इसे ओब्रेन को ही अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसे बैटिंग सेक्शन की, तो फ्रेंड्स बैटिंग सेक्शन की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग भी जो है इसमें से रिलेटिव अगर मतलब ड्रीमलैंड पे बहुत सारा लॉस कर गए और इस मैच में जो आपको विनिंग टीम चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप सिंपल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विनिंग टीम के लिए। अब बात करते हैं ऐसे फ्रेंड्स बैटिंग सेक्शन की, तो देखिए यहाँ से मैं एक कुरैशी को ट्राई कर रहा हूँ जो कि अपनी टीम के लिए ओपन करता नजर आएंगे, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ये अपनी टीम के लिए फ्लॉप जरूर रहे थे, लेकिन बाकी के कुछ मैचेस में देखेंगे तो अपनी टीम के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए। तीन मैचेस के लिए जिसमें कि दो मैच में फ्लॉप रहे और एक मैच में अपनी टीम के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए, लेकिन फिर भी यहाँ से फ्रेंड्स फिनलैंड की तरफ से मतलब फिनलैंड के जो है एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है तो इस वजह से इनको अपनी टीम में लेना बनता है। वही बात करें तो आप इसे एम चौहान को ट्राई कर सकते हो, चौहान भी आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहने वाले फ्रेंड्स। ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करके देंगे। अगर आप इनका देखेंगे लास्ट मैच में परफॉर्मेंस तो 28 रन लास्ट मैच में बनाए, साथ ही साथ अपनी टीम के लिए एक विकेट भी निकाल के दिए। उससे पहले वाले मैचेस की अगर बात करें तो उससे पहले वाले मैचेस में भी अपनी टीम के लिए बॉलिंग से परफॉर्मेंस करके दिए, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं। बैटिंग की बात करते हैं फ्रेंड तो आपको सेकंड या थर्ड डाउन बैटिंग करते नजर आएंगे, या फिर हो सकता है कि ये फर्स्ट डाउन भी बैटिंग करने आ जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो फिर बात कर रहे हैं तो आप ऐसे पी विजेंद्रा को ट्राई करना चाहते तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जा रहा हूँ। बाकी जो फिर बात कर रहे थे आप इसे यहाँ से जो है आप फहीम को ट्राई कर सकते हैं, फहीम आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन बन जाएंगे तीन मैचेस के लिए। भले लास्ट मैच में उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं करके दे पाए, लेकिन मतलब सेकंड मैच में जो है अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किए थे तो इस बात का आपको ध्यान देना। अगर आप सेकंड मैच की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फ्रेंड 50 रन अपनी टीम के लिए बना के दिए थे, हालांकि कोई विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक प्लेयर आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कभी कदाल बॉलिंग भी करने आ जाते तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जी फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो फिलहाल यहाँ से मैं तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ और आज चौथा ऑलराउंडर की बात करें तो आप ऐसे गॉडविन को भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं चार ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूं जिसमें कि ए पुष्टैनी, आप चाहे तो पुष्टैनी को अपनी टीम से रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में अपनी टीम के लिए फ्लॉप रहे थे। जिस टाइप के प्लेयर है उस टाइप से अभी तक इनका एक भी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी ओपन करने आते बॉलिंग भी करते तो इस वजह से जो है मैं इनको अपनी टीम में ट्राई कर ले रहा हूँ। बाकी जो फिर बात करें तो आप ऐसे अहमद भट्ट को ट्राई कर सकते हैं जो कि ओपन करेंगे, साथ ही साथ आप ऐसे पी गलेंगर को ट्राई कर सकते हैं जो कि ये भी ओपन करते नजरेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करते हैं और लगातार जो है अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करे। लास्ट मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिए, उसे पहले वाले मैचेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिए, फिर जितने भी मैचेस खेले सभी मैचेस में बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्मेंस करके दिए तो इस बात का आपको ध्यान रखना। वहीं बात करते हैं फिर चौथे नंबर की, तो आप ऐसे जे गॉडविन को ट्राई कर सकते हैं, गॉडविन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाले, नंबर तीन पर बैटिंग करते नजर आएंगे। बॉलिंग की बात करते हैं फिर बॉलिंग भी आपको दो बार करके देंगे तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं।
बाकी दिन फिलहाल में चार ऑलराउंडर के साथ जरा आप चाहे तो अपने हिसाब से तीन ऑलराउंडर को भी लेके जा सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते तो देखिए यहाँ से ए भाटिया कंफर्म नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर फ्रेंड्स खेलते तो मैं इनको अपनी टीम में जरूर से ट्राई करूंगा, क्योंकि ये जो है मतलब SEC के ओल्ड मैन है और काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर है। अगर ये खेलते तो इनको अपनी टीम में जरूर से ट्राई कर लीजिए, भले ही लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए लेकिन प्लेयर काफ़ी तगड़े थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे फिर बात करते हैं आप इसे अर्जुन को ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे रजा को ट्राई कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन की बात करते तो आप इसे जो है वेंकट राम को ट्राई कर सकते हैं, वेंकट राम भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन बन जाएंगे। हालांकि इनको जो कोई मैच खिलाया जाता तो कोई मैच में इनको नहीं खिलाया जाता, तो इस मैच में देखते हैं कि इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी जिस बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, आप इसे पी गिलंगर को ले सकते हैं, वहीं वाइस कैप्टन की बात करते तो आप इसे ए भट्ट को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हालांकि वाइस कैप्टन के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन है, जैसे कि आप इसे गॉडविन को भी बना सकते हैं या फिर आप इसे जे ऑब्रेन को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये दो तीन ऑप्शन है आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए। टीम प्रिव्यू की बात करते तो फिर दे सकते हैं, ये मेरा टीम प्रिव्यू, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।